इशक ज़ादे में मैंने सबसे मार खाई है, सबसे चाटे खाए, इंक्लूडिंग द हीरोइन, द मदर, द ग्रैंडफादर. तो मैंने औरंगजेब में वो भड़ास निकाली, रिवेंज निकाल लिया जी, कि मैं आप सबको मारूंगा और पीटूंगा. मौका मिल रहा है उसका फायदा उठाना चाहिए. कितनी बार मौका मिलेगा अपने आपको चाटा मारने का? तो मैंने पूरा फायदा उठाया उसका. बस ऋषि कपूर हो, चाहे जैकी श्रॉफ हो, चाहे पृथ्वीराज हो, चाहे साशा हो, चाहे अमृता सिंह हो, चाहे सिकंदर हो, हर किरदार के अंदर आपको औरंगजेब की छवि नजर आएगी. एक ह्यूमन क्राइम ड्रामा है जो हमने बहुत सालों से इसे शायद पर्दे पे नहीं देखा. अर्जुन कपूर, ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ और पृथ्वीराज को इस कंस्ट्रक्शन साइट पर यू हेलमेट लगाए देखकर हो गए ना आप भी हैरान. दरअसल ये सारा तामझाम हुआ अतुल सबरवाल डायरेक्टेड फिल्म औरंगजेब को प्रमोट करने के लिए. लैंड माफिया रियल एस्टेट का मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन. Therefore, we thought it'll be unique and it'll be something different for all of you all to come and interact with us rather than studio में बैठ के बात करें जैसे हमेशा होता है. We thought it'll be something unique and interesting. लेकिन इस promotional event को unique बनाने के चक्कर में इन stars के पसीने छूट गए. ऋषि कपूर पर मुंबई की गर्मी का असर सबसे ज्यादा दिखा, जो कभी मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तो कभी अर्जुन कपूर को डांटते हुए सबके सामने जाहिर हो गया. गुड आफ्टरनून, अ वेरी हॉट गुड आफ्टरनून टू ऑल हियर. जैकी अंकल प्लेज यशवर्धन सिंह, जो बहुत बड़े रियल. तो यहाँ कोई अंकल वंकल नहीं है. प्लीज जैकी श्रॉफ प्लेज. प्रमोशन के मतलब कुछ और है, आप लोगों के मतलब कुछ और होते हैं. सो बेसिकली हमारे गाने नहीं है फिल्म में. So that means that we are not seeing the songs. That does not mean that we are not promoting the film. ये जरूरी नहीं कि हम 3 घंटे की पिक्चर बनाएं और बेवजह उसमें गाने डालें, आइटम सॉन्ग्स डालें, ऐसे बेरुख के कॉमेडी ट्रैक्स डालें, वो जो नहीं है. बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर औरंगजेब का टाइटल, मैं आपको दे रहा हूँ ना. हाँ तुमको, मेरे अलावा, मीडिया के अलावा, तुम जैसे जो पूछता है उसी को ये टाइटल. लेकिन वक्त रहते ऋषि कपूर को अपनी गलती का एहसास भी हो गया, जिसकी भरपाई उन्होंने कुछ यूं की. घर का बच्चा है तो पहले, अपार्ट फ्रॉम बीइंग दैट, जो एक लगन और एक जो पैशन जो होता है किसी भी कलाकार में, वो बहुत जरूरी होता है और वो मैंने इसमें देखी है. तो खुशी होती है इनके साथ काम करने में. पहले बार तो मैंने जब शुरू हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो डांट दिया कि कोई अंकल वंकल नहीं बोलेगा इधर. हम दोस्त भी हैं, इज्जत भी हमारी करते हैं, हमें खुशी होती है कि हमें इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं. और बस दुआएं करेंगे, आशीर्वाद देंगे, तुम अच्छा काम करो, अपने बाप माँ का नाम रोशन करो और अपनी एक छवि और अपनी एक हैसियत बनाओ फिल्म इंडस्ट्री में. He sent my father a message saying, टेंशन मत ले, तेरा बुढ़ापा सिक्योर है, तेरा बेटा अच्छा एक्टर. सो आई थिंक वॉट ही कुडंट टेल मी और वॉट ही डिडंट वांट टू टेल मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, He ended up telling my father, and that's the nicest thing in the world anybody can do is give you that confidence after one day of shooting. Smart, huh? वैसे 17th of May को release हो रही औरंगजेब का अब तक कुछ खास promotion नहीं हुआ है, जिसकी वजह पूछे जाने पर ये सभी सफाई देते दिखे. हमारी ऐसी कोई intention तो नहीं है कि हम कम promote करें. मुझे जहाँ तक लगता है कि जिन लोगों तक फिल्म की बात पहुँचनी चाहिए पहुँच रही है, तो it will get intense as we reach closer to the release date. That's all I can add to that. इसकी एक और वजह हो सकती है कि हमारी फिल्म में गाने नहीं है और आप लोग इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि आप लोगों ने गाने देखने, तो आप वो समझते हैं वो प्रमोशन है. दैट इज नॉट द प्रमोशन. हमारे 10,000 स्पॉट चल रहे हैं, 85 बैनर 85 बैनर्स इन द सिटी. इट टेक्स टाइम फॉर इट टू सीप आउट एंड आल्सो इट्स प्लान्ड. यू डोंट वांट इट कमिंग इन टू अर्ली और टू लेट. इट हैज टू बी जस्ट कोऑर्डिनेटेड विद द रिलीज ऑफ द फिल्म. सो दैट्स अबाउट 9 डेज अवे. सो आई गेस होपफुली, एट लीस्ट इफ यू फेल्ट इट्स लेस, होपफुली वी विल fulfill your wishes and it'll be much more in the coming days. खैर हम तो यही विश करते हैं कि औरंगजेब के लिए इतने पसीने बहाने के बाद आप सभी को इसका मीठा रिजल्ट भी मिल जाए. गुड लक.